मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक रेमंड नाम का लड़का होता है जो कि स्पेसशिप का सपना देख रहा होता है जिसमें वो किसी की जान बचा रहा होता है। तभी उसकी नानी आकर उसे अपने सपने से उठा देती है, कहती है कि स्कूल जाने का टाइम हो गया है, चलो स्कूल जाओ। वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी माँ से मिलता है, माँ कहती है कि नानी को तंग ना करना। वो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। रेमंड क्लास में बैठकर स्पेस के सपने देख रहा होता है। तभी उसकी टीचर मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहती है, वो जाता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी टीचर उससे कहती है कि तुमने कल भी पढ़ाई क्यों नहीं की थी। वो उसके दोस्तों से पूछती है पर सब उसका मजाक बनाते हैं और उसे एग्जाम में एक स्टार मिलता है। वो अपने दोस्तों को स्पेसशिप का डिजाइन दिखाता है जहां दोस्त भी उसका मजाक बनाते हैं। फिर वो गुस्सा हो और अपने घर के लिए निकल जाता है और घर जाके वो सो जाता है। यहीं पर स्टोरी का इंटरेस्टिंग मोड शुरू हो जाता है जहां अपनी साइकिल लेकर जंगल की ओर जाता है। वो एक मेंढक का पीछा करता हुआ एक नदी के पास पहुंच जाता है जहां वो फिशिंग करनी शुरू कर देता है पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। तभी वो एक आलू जैसा दिखने वाला मैजिक गार्ड से मिलता है। वो उसे बाहर निकाल देता है। वो डर जाता है कि ये आलू बात कैसे कर रहा है। तभी वो कहता है कि मैं एक मैजिक गॉड हूँ, तुम जो विश मांगोगे मैं वो पूरी कर दूंगा। मास्टर मैं जानता हूँ कि तुम एक आलसी बच्चे हो, मैं तुम्हारी हर काम में मदद करूंगा। रेमंड कहता है कि मुझे मछली चाहिए। मैजिक गॉड कहता है कि तुम्हें ये सब सीक्रेट रखना होगा, अगर तुम्हें सीक्रेट नहीं रखा तो मैं कोई और मास्टर ढूंढ लूंगा। रेमंड कहता है कि मैं ये सब सीक्रेट रखूंगा और उनकी दोस्ती हो जाती है। वो मछली लाकर दे देता है। फिर रेमंड खाना मांगता है, वो खाना भी लाकर दे देता है। रेमंड बहुत खुश होता है कि वो सच में एक मैजिक गॉड है। रेमंड कहता है कि मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा हूँ। वो उसके लिए प्लेन भी ले आता है। वो लोग उड़ना शुरू कर देते हैं। वो अपने दोस्तों के पास पहुँच कर उन्हें अपनी फिश दिखा रहा होता है। सभी दोस्त शॉक्ड और खुश हो रहे होते हैं। रेमंड ने फिश कैसे पकड़ी वो अपनी टीचर को भी दिखाते हैं। टीचर भी खुश होती है। वो फिश लेकर अपने घर आ जाता है। वो मैजिक गॉड से कहता है कि तुमने मुझे गोल्ड फिश क्यों दी। वो कहता है कि मास्टर आपने मांगी थी, मैंने दे दी। तभी उसकी सिस्टर उनकी बातें सुनकर उस मैजिक गॉड के पीछे भागकर उसे पकड़ने लगती है और उसकी नानी आकर उसकी सिस्टर को ले जाती है। वो मैजिक गॉड बच जाता है। नेक्स्ट डे वो अपने स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक लेने जाता है पर वो बुक कोई और बच्चा पहले से ही ले आता है, उसे वो बुक नहीं मिलती। तभी वो मैजिक गॉड अपने मैजिक से वो बुक रेमंड के बैग में डाल देता है। वह बुक चोरी होने का शोर मचा देता है। सभी बच्चे वो बुक ढूंढने लगते हैं। एक फ्रेंड आकर उसे चेस खेलने के लिए बुलाता है। वो बुक बाहर फेंक कर चेस खेलने चला जाता है। वो चेस खेलते खेलते ये कहता है कि ये घोड़ा खाएगा। तभी वो मैजिक गॉड ये बातें सुनकर उसके मुंह में वो लकड़ी का घोड़ा डाल देता है और बाकी मोरे भी के मुंह में डाल देता है। उसे दर्द होता है। रेमंड वहां से भाग जाता है और वो उन चेस के पीसेस को बाहर निकालता है और उस मैजिक गॉड को खूब डांटता है। तभी वो देखता है कि लाइब्रेरी वाली बुक हवा में उड़ रही है। वो कहता है कि ये बुक हवा में क्यों उड़ रही है। वो बुक का पीछा करते हुए स्विमिंग पूल में छलांग मार देता है। तभी वहाँ स्विमिंग पूल का मास्टर उसे स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेने को कहता है। वो हाँ कर देता है जिसमें उसकी मैजिक गॉड हेल्प करता है। तभी देखते हैं कि वो घर जाकर सो जाता है। वो मैजिक गॉड उसके रूम की सफाई करने लगता है। सफाई करते करते वो खुद भी थक जाता है और सो जाता है। वो अगली सुबह रेमंड को जल्दी उठा देता है। वो जल्दी रेडी हो जाता है जिस कारण वो जल्दी स्कूल भी चला जाता है। सभी वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। वो मैजिक गॉड की मदद से टीचर के सारे सवालों के जवाब भी सही देता है। वो स्विमिंग भी बहुत फास्ट करता है। उसका कोच भी यह सब देख रहा होता है। फिर वो नेक्स्ट डे मैजिक गॉड दोबारा बनाए गए रोबोट को ले जाकर स्कूल में इम्प्रेशन जमाता है। सभी वहाँ पे शॉक्ड हो रहे होते हैं। तभी उसका रोबोट टूट जाता है। वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रेमंड मैजिक गॉड पर गुस्सा करता है कि मुझे अगली बार कोई अच्छा सा रोबोट देना। वो लोग एक रोबोट शॉप में जाते हैं जहाँ वो ये सब रोबोट को खरीदने की बात करता है और मैजिक फिर से गड़बड़ करता है। वो वहाँ से सारे रोबोट गायब करता है। तभी देखते हैं कि रेमंड उस मैजिक गॉड से मूवी देखने के लिए अंदर मूवी हॉल में जाने की बात करता है पर वो मैजिक गॉड फिर से गड़बड़ करता है। वो उसे सीधा मूवी में ही भेज देता है जहाँ उसके पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर भागता है। उधर वो मैजिक गॉड पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब देख रहा होता है। रेमंड मैजिक गॉड को बुलाता है।
तभी मैजिक गॉड उसे बचाने जाता है। वो उस डायनासोर को हरा कर रेमंड को वहाँ से बाहर निकालता है। फिर रेमंड फिर से मैजिक गॉड को डांटता है कि तुम्हें मूवी हॉल में जाने को कहा था ना कि मूवी में। तभी देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो उसके घर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो घर पहुंच जाता है देखता है कि सारे रोबोट टॉयज उसके घर पर है। वो उस मैजिक गॉड से पूछता है कि ये सब क्या है। मैजिक गॉड कहता है कि आपने विश की थी और मैंने पूरा किया। वो फिर मैजिक गॉड को डांटता है, कहता है कि ये सब वापस भेजो। वो मैजिक गॉड सब कुछ वापस भेज देता है। तभी रेमंड के डैड उसके लिए साइकिल लेकर आते हैं। वो बहुत खुश होता है। तभी ये सब मैजिक गॉड देखकर दुखी होता है कि मैं इतना कुछ लेकर आता हूँ, मुझे सिर्फ डांट ही पड़ती है। उसके पापा बस एक साइकिल लेके आए, वो इतने में ही खुश है। नेक्स्ट डे फिर रेमंड एग्जाम के लिए काफी खुश होता है। वो जल्दी खुद ही उठ जाता है। वो रेडी होकर खुद साइकिल चलाकर एग्जाम देने बैठ जाता है। तभी वो मैजिक गॉड से हेल्प मांगता है। मैजिक गॉड तभी वहाँ से फिर से गड़बड़ कर देता है। वो उसकी फ्रेंड की आंसर शीट से सारे आंसर चुरा कर रेमंड की शीट में डाल देता है। तभी उसकी टीचर को पता चल जाता है, क्योंकि वो नाम भी उसकी फ्रेंड का ही डाल देता है आंसर शीट पर। फिर रेमंड वहाँ से गुस्सा होकर भाग जाता है और उस मैजिक गॉड को खूब डांटता है और रेमंड उसे डांटकर भगा देता है। वो फिर आ जाता है। फिर रेमंड उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। वहाँ रेमंड को ढूंढते हुए टीचर और बच्चे आ जाते हैं। रेमंड उनसे माफी मांगता है। वो रेमंड को अपने साथ ले जाते हैं और अगले दिन से रेमंड स्विमिंग कॉम्पिटिशन में जाने के लिए खूब मेहनत करता है और वो थर्ड रैंक पे जीत जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं, पर रेमंड को लगता है कि इसमें जरूर मैजिक गॉड ने उसकी हेल्प की है। वो मैजिक गॉड के पास जाता है, पर मैजिक गॉड कहता है कि ये सब तुमने अपनी मेहनत से किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो बहुत खुश होता है। मैजिक गॉड कहता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम मेहनत करना सीख गए हो, मैं किसी और की मदद करूंगा। और वो वहाँ चला जाता है। तभी रेमंड को पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था और मूवी समाप्त हो जाती है।